नमस्कार सिद्धियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मीडियो छानवे ने फीता काटकर किया कामापुर कला में आवास का उद्घाटन। शासन के निर्देशानुसार मिर्जापुर जनपद के विकास खंड छानवे के कामापुर कला में खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता मुख्यमंत्री आवास का फीता काटकर उद्घाटन किए। आपको बता दें कि कामापुर कला में पिछले वित्त वर्ष 2021-2022 में कुल 20 आवास का आवंटन हुआ था, जिसमें से सभी आवास पूर्ण कर लिया गया है। फूलदेई पत्नी रामानंद के आवास का उद्घाटन किया गया, सभी को चाबी सौंप दी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में भी 41 आवास प्राप्त हुआ है। लाभार्थी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। फूलदेई कामापुर कला, आपको मुख्यमंत्री आवास मिला है और जिसका उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? खुशी है? खुशी है, प्रधान जी इसके आवास दिए। पहले घर था आपके पास? खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी सौम्या सिंह, ग्राम प्रधान पूजा विश्वकर्मा, सफाई कर्मी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सत्यात्रा न्यूज शास्त्र शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। ग्राम प्रधान जी, आपके यहाँ कौन सा कार्यक्रम था आज? वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा आवास जो ये थे उसी के विषय में। आपके ग्राम सभा में पिछले वित्त वर्ष में कितने आवास पास हुए थे? 20 पास हुए थे, जिसमें से पूरा कंप्लीट है, उसमें से आज एक का उद्घाटन। 20 आवास बन गया है इस वर्ष। इस वित्त वर्ष में कितने आवास पास हुए हैं? 41 जी। धन्यवाद। हरिओम गुप्ता, खंड विकास अधिकारी छानबे। सर, आपके द्वारा यहाँ पे एक मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में बताएं। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर को एक साथ समस्त जनपदों के समस्त विकास खंडों में आज मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र एवं पूर्व में 20-21 और 21-22 के लाभार्थियों का गृह प्रवेश का कार्यक्रम एक साथ निर्धारित किया गया था। उस क्रम में आज अपने विकास खंड के ग्राम पंचायत कामापुर में फूलदेई पत्नी रामानंद जी के यहाँ का आज आवास प्राप्त हुआ है, उसका आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम मेरे द्वारा संपन्न किया गया। छानवे में कितने आवास आज उद्घाटन किए जा रहे हैं? वैसे तो प्रतीकात्मक के रूप में 2 आवास मेरे द्वारा किए जाएंगे, बाकी तो समस्त लाभार्थी अपने स्वयं गृह प्रवेश करेंगे। हाँ, तो इस तरह से आज एक उत्सव का माहौल जैसा है पूरे प्रदेश में, और ये सब समस्त लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको जो है रहने के लिए आवास प्राप्त।